आज हम यहाँ वार्ड में अपने दूर मनन कुछार के कार्यकर्ताओं के बीच में हैं। सभी कार्यकर्ताओं का मैं स्वागत करता हूँ और सभी का धन्यवाद करता हूँ कि आप इस मीटिंग में आए। आज की जो मीटिंग है वो मीटिंग आपको बताई है कि इलेक्शन होने जा रहे हैं, आने वाले 28-18 तारीख को वोटिंग होनी है। हम भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, आप लोगों ने पहले भी यहाँ से हमारे मेंबर पार्लियामेंट डॉक्टर जितेंद्र सिंह को भारी बहुमत से जिताया, उनको भी आपने उन पर भी विश्वास किया और उन्हें वोट दिया। और ये सारा जो इस वक्त भारतीय जनता पार्टी का सिलसिला चल रहा है, ये हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी की देन है, जिन्होंने पूरे देश में ऐसी स्कीमें लॉन्च की हैं जिन स्कीमों से हर घर कुछ न कुछ फायदा पहुंच रहा है, चाहे वो गैस सिलेंडर के रूप में हो, चाहे वो जनधन योजना के रूप में हो, चाहे वो मनरेगा कार्ड के रूप में हो, चाहे वो मकान के रूप में हो, और भी कई तरह की स्कीमें हैं। लाडली बेटी है, गोल्डन कार्ड है, और इसके अलावा जो रोजगार की व्यवस्था है, रोजगार की व्यवस्था सिर्फ यहाँ पे प्रोजेक्ट नहीं है, प्रोजेक्ट के अलावा कुछ ऐसी स्कीमें लॉन्च की गई हैं, जिसको एक स्कीम ये भी है, ये विश्वकर्मा स्कीम, जो हमारे कामगार लोग हैं, जो कारीगर लोग हैं, जिनको काम आता है उनको 5-5 दिन की ट्रेनिंग भी दी गई, उन्हें 15,000 से 17,000 रुपया जो है ये सब्सिडी वो लोन दिया गया, जो वापस देना ही नहीं है कि अपना सामान खरीदो। और उसके अलावा अगर कोई अपना काम करना चाहता है, कोई फैक्ट्री लगाना चाहता है, कोई छोटे मोटे कारखाने लगाना चाहता है, उनके लिए बिल्कुल माइनर ये इसमें ये सूद पे कर्जे दिए जाते हैं। फिर आपकी जो है इसके अलावा जो वो एक स्कीम है जो महिलाओं की स्कीम चले, क्या उम्मीद के कार्यक्रम कितने चल रहे हैं यहाँ। आज आप और लोकल टीम में आपके जो यहाँ लोकल प्रोडक्ट्स हैं, मान लीजिए यहाँ के आपके इलाके की गुच्छी बनती है, वो गुच्छी की यहाँ मार्केट लगी है, किश्तवाड़ में दुकान खोली गई, वहाँ पे उसकी जो है पूरी तरह से पब्लिसिटी दी जा रही है, चाहे पाउडर का जीरा हो, काला जीरा हो, उसकी पब्लिसिटी दी जा रही है। इसके अलावा कई ऐसे उदाहरण आपके सामने हैं जो मोदी जी ने पूरे देश में सक्रिय लॉन्च किए, और आज तीसरी बार मोदी जी को आपने जिताया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद कर रहे हैं मोदी जी आप। इसलिए आने वाले कल को ये हमारे जम्मू कश्मीर में अब चुनाव हो रहे हैं, ये चुनाव आए से पहले भी हो सकते थे, लेकिन चूंकि यहाँ जो पिछले 70 साल से नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस ने और बाकी पार्टी ने राज किया, उन्होंने इस यहाँ के लोगों को गरीबी से भी नीचे धकेल दिया, उन्होंने सिर्फ अपने घर भरे, लोगों के लिए कुछ नहीं किया, जिन लोगों ने उनको जिताया उन्हीं लोगों को जो है उन्होंने लूटा, और उनके जो भी सेंटर से कोई फंड्स आते थे वो उन्होंने अपने ढोरों में ले गए, और आज वो भुगतान कर रहे हैं, आज उनके ऊपर केस लगे हैं, करप्शन के केस लगे हैं। तो इसलिए पहले जो हमारे सरकार को जम्मू कश्मीर को सुधारने के लिए जो जम्मू कश्मीर बनाने जा रहे हैं, यहाँ से 370 को हटाया, यहाँ से 35A को हटाया, जिससे यहाँ पे डायरेक्टली जो आज स्कीमों का फायदा आपको मिल रहा है वो नहीं मिलता था यहाँ पे। फिर हमारी जम्मू कश्मीर की असेंबली उन चीजों को पहले पास करती थी अपने वहां पे, तब जाकर के हमें कुछ मिलता, वरना नहीं मिलता। आपके जो पंचायत के सरपंच को आज पावर हैं, पहले ये पावर नहीं थी, पहले तो उसको भी जाकर के दूसरों से एमएलए से या और किसी से पावर लेकर के अपना काम करवाना पड़ता था, आज डायरेक्ट उसके हाथ में चेक बुक है और चेक साइन करता है आपका सरपंच। आज 3-tier सिस्टम बनाया, और इससे पहले भी यहाँ पे दफा 370 हो रही खत्म होने के बाद चुनाव हुए, यहाँ पे BDC चुनाव हुआ, DDC चुनाव हुआ, पंचायत चुनाव हुआ, आज 3-tier सिस्टम है आपके हाथ में, आपके पंच के हाथ में पावर है, आपके सरपंच के हाथ में पावर है, आपके ब्लॉक गवर्नमेंट चेयरमैन के हाथ में पावर है, और आपके DDC मेंबर के हाथ में और चेयरपर्सन के हाथ में पावर है। ये देन है मोदी जी की, मोदी जी ने यह सिस्टम पूरे जम्मू कश्मीर चलाया। आप कहते हैं ये जो गोल्डन कार्ड है बाकी स्टेटों में तो गरीबों को मिल रहा है, जम्मू कश्मीर में पूरे तमाम जो लोग रहते हैं, लाखों लोग, चाहे वो अमीर है या गरीब है, उसको गोल्डन कार्ड का वो ये फायदा मिल रहा है। ये जो आपको राशन की बात जो आपने की, जो 5 किलो राशन फ्री
फ्री में पिछले 5 साल से हमारी जनता को मिल रहा है। ये क्यों मिल रहा है? क्योंकि यहाँ एक बहुत बड़ी महामारी आई थी जिसको क्या कहते थे कोरोना। कोरोना की बीमारी ने पूरे दुनिया को लपेटे में ले लिया था और पूरे दुनिया में लाखों लोगों की डेथ हुई, लेकिन हिंदुस्तान में इस तरह से हमारे मोदी जी ने उस बीमारी को खत्म करने का रास्ता बनाया। यहाँ पे वैक्सीन बनाई और मुफ्त में हर किसी को वो वैक्सीन का फायदा मिला, वैक्सीन लगवाई। जो वैक्सीन बाहर के देशों से आती थी पैसे से, यहाँ पे मुफ्त में मोदी जी ने सबको ठीक किया और कम से कम नुकसान हिंदुस्तान में हुआ। और उस नुकसान की भरपाई के लिए ये राशन आज भी आपको मिल रहा है, जिस राशन की आप कहते हैं कि ये जो कम मात्रा में 5 किलो में मिल रहा है, ये 5 किलो आपको मुफ्त राशन मिल रहा है। इसके अलावा जो आपकी डिमांड है कि हमें ज्यादा राशन मिलना चाहिए, इसके लिए जब घोषणा पत्र हमारा आएगा, अभी आपने भारतीय जनता पार्टी का जो संकल्प पत्र घोषणा पत्र जिसको कहते हैं वो आना है, उसमें ये राशन भर रही है। आने वाले कल को आपको कहने की आवश्यकता नहीं है, भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाने जा रही है जम्मू कश्मीर में और ये राशन आपको भरेगा। 5 की जगह 10 किलो का स्केल एक आदमी के लिए बढ़ेगा, हो सकता है उसके वो कितना रखा हो आपके सामने जब मैनिफेस्टो हमारा आएगा आपको पता चलेगा कि भारतीय जनता पार्टी ने क्या क्या नई सुविधाएं और देनी है। ये जो हम सकी में गिनते ये तो पुरानी हो गई, अब ये तो पीछे से आपको मनरेगा का पैसा मिल रहा है या आपको लाडली बेटी का मिल रहा है, गोल्डन कार्ड का मिल रहा है, ये क्या बोलते हैं जमींदार को 6,000 रुपया मिल रहा है, ये तो पुरानी सकी में जो चल रही है। मोदी जी जो वादा करते हैं उसकी गारंटी देते हैं कि मैं गारंटी देता हूं ये काम करूंगा और वो कर रहे हैं। इसलिए आने वाले कल को भी